फिर तो ना तेरे साथ रह रहे के ना मेरा दिमाग भी चलना बंद हो गया है। पर नेक बात तो मैंने सोची ही नहीं कि एमिली ने बाप को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। अगर हम बाप को ये याद दिला देंगे तो बात तो एमिली को घर से निकाल देगी। मोटी बहन, और अगर एमिली प्रेग्नेंट नहीं हुई तो? अरे नहीं नहीं बहन, चुप चुप बोल। हम ना उस पे पूरी नजर रखेंगे हा? और इससे पहले कि वो खुद आके बताए, हम ना सबूत ढूंढ लेंगे और जाके बाप को बता देंगे। फिर देखना तो अपने मोटी बहन का कमाल। ये देखो अरे भाई, है तुम्हारा फाइल आ गया। अरे मेहता साहब से फाइल लेके आ कनाडा की। जा जा जल्दी 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 जल्दी। क्या बात है भरत भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया, कमाल है ना। तू वाज से अभी तो चाय भी खत्म नहीं हुई और अहमदाबाद से भैला की फाइल मंगा ली आपने, वाह। अरे मैंने तो पहले ही फरमाया था है कि कनौड़िया मेरे बचपन का लंगोटिया यार है। हां पेपर सब बराबर है। एक मिनट, आपकी वाइफ आपकी धर्म पत्नी इमली की सिग्नेचर है ही नहीं? कोई बात नहीं, आप लोग एक काम करो, इस पे अपनी वाइफ का वो सिग्नेचर ले लेना है। और हाँ, और तुम दोनों की शादी हो गई है ना, उसका एक एफिडेविट भी बना लेना और उस पर भी तुम्हारी वाइफ इमली का सिग्नेचर ले लेना है। भरत भाई, वाइफ का साइन होना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। वीजा में लगती है बीबी की मर्जी, हम कोई काम नहीं करते हैं फर्जी। अरे वाह बोलने भाई, भरत भाई वाह। भैला अभी हाँ बोल दे, कोई बात नहीं, एमिली बेन भाभी से साइन करवा लेंगे, समझा? ठीक है, हो जाएगा साइन ना, हो जाएगा ना। और हाँ देखो, अभी क्या है, मैंने फॉर्म में है ना वो जगह जगह पे ऐसा चौकड़ी कर दी है, तो ऐसा चौकड़ी मारा है ना उधर उधर, अपना वाइफ का सिग्नेचर ले लेना है। और हाँ, एफिडेविट लगवाना मत भूलना। वीजा तुम्हारे घर पे कैसे आएगा मालूम है? कैसे आएगा? चलते चलते आएगा। कैसे आएगा? चलते चलते है कि नहीं? ये ले ले, जाओ बे जाओ। चल एक मिनट, एक बात बता मुझे, तू तेरा कभी भी किसी स्कूटर वाले के साथ में आराम से ऐसे एक्सीडेंट हुआ है क्या, ऐसे गोंडल में? अरे नहीं नहीं घोचू भाई, भरत भाई मेरा आज तक किसी साइकिल वाले के साथ भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। चल साइकिल नहीं आवरती है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं यहाँ पे। कोई आया और मेरा चश्मा लेके चला गया, मेरा चश्मा कहाँ पे गया? हाँ अभी सब दिखाई दे रहा है बराबर से। यस यस पता है ना, कब का अपॉइंटमेंट मिल सकता है? एक मिनट, मैं आपका कॉल बैक करती हूँ, मैं अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है, सॉरी। ये आचार की बोरनी इसके कमरे में क्या कर रही है? मुझे क्या पता मोटी बहन, मैंने भी अभी देखा। चक्कर आना, उल्टी आना, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, ये सब तो एक ही चीज के लक्षण है बहन। समझ गई, मैं सब समझ गई। क्या समझी तू? मोटी बहन, एमिली ना चुपके से अकेले बड़े वाले झूले में गोल 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 घूम के आई है, इसीलिए उसे चक्कर भी आ रहे हैं और उसका जी भी घबरा रहा है। मैं भी जब बड़े वाले झूले में ऐसे गोल 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 घूम के आती हूँ ना, तो मुझे भी होता है। लेकिन मोटी बहन मुझे बात समझ में नहीं आ रही, वो सब छोड़ो, ये अचार क्यों खा रही है? ये पिंकुड़ी है ना, प्रेगनेंसी के लक्षण है। हाँ ए, और ये फोन किसको कर रही थी? ओहो मोटी बहन, मुझे तो लगता है मेरी प्यारी लुच्ची लोमड़ी का लुच्चापन बिल्कुल खत्म हो गया है। अब ये सब भी आपको पिंकुड़ी से पूछना पड़ रहा है, खुद फोन करके पूछ लो ना। अरे हाँ।
गोविंदमल मैटरनिटी हॉस्पिटल। मैटरनिटी हॉस्पिटल? हाँ, इसका मतलब ये पक्का प्रेग्नेंट है यार। अब दोनों यहाँ? क्या है ना, इसको ना बहुत बोर हो रहा था तो इसने कहा कि ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, है ना? एमिली, मैं तुम्हारे बहुत 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 खुश हूँ। कांग्रेचुलेशन। पिंकी, किसके लिए कांग्रेचुलेशन? हाँ, मैं बताती हूँ। वो तूने सुबह बोला था ना कि एक खुशखबरी है, तो उसके लिए तेको बधाई देना चाहती है। इसे ना रहा नहीं जाता, इसे ये हरक को दूड़ी है। वेट, आरिब को आने तो फिर एक बड़ा अनाउंसमेंट करूंगी। I'm so happy. मैं तो खुश तभी होंगी जब तू इस घर से बाहर जाएगी। बा उल्टी आना, चक्कर आना, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। और वो मैटरनिटी होम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है बा क्या होने वाला है। बच्चा हैरी होगा कि हरी, विदेशी होगा या देसी, आपको बा बुलाएगा कि मिसेस आनंदी। मुझे ना बहुत डर लग रहा है बा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है बा। बा, एमिली भी बहुत खुश लग रही थी, आरव भाई भी बहुत खुश लग रहे। मुझे ना लगता है कि इनको पता चल गया है, आप इनसे पूछिए ना। आरव? हाँ मम्मी। बड़ा खुश लग रहा है, क्या हुआ है? अरे मम्मी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? अरे मम्मी को मेरे अमेरिका की सिटीजनशिप मिलने की बात का पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। बता ना, क्या खुशखबरी है, क्या हुआ है? नहीं मम्मी, अब ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना मम्मी, मैंने एक नए धंधे के बारे में सोचा है, तो उसी में बात आगे बढ़ रही है। जब हो जाएगा तो बताऊंगा। हाँ मम्मी, तेरा बेटा जिम्मेदार होने वाला है। देखा बा, देखा, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। अरे बताया तो उसने, नया धंधा देख रहा है। अरे बा, वो बोले कि जिम्मेदारी आने वाली है, और जिम्मेदारी कब आती है आदमी पे, जब वो बाप बनता है। मैं बता रही हूँ, एमिली ने ना अपने जाल में ना आरव भाई को फंसाया है, और वो इस घर में परमानेंट हो गई है। बा, ये दोनों तो एस करेंगे, एस। और वो बच्चा होगा ना, उसके कच्चे बने आपको धोने पड़ेंगे। एक बार एमिली को मुझे सच बताने दे, फिर मैं उसे बताती हूँ। गुंजन, इन दोनों पे नजर रखना। हाँ बा। एमिली, 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 आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी कुछ बताने हैं तुम्हें। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो ठीक है, पहले तुम बताओ। अरे, I love you. इसलिए मैं बस एमिली, और कुछ मत कहो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ना, ये तुम्हें मेरी धड़कनों की आवाज से ही पता चल जाएगा। आओ सुनो मेरी धड़कनों की आवाज, सुनो। तुम्हें मेरी धड़कनों से आवाज आ रही है? आ रही होगी। एमिली, 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 एमिली। अब तो मुझे अपनी धड़कनें सुनाओ। मेरी हार्ट बीट में तुम्हारा नाम नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे पास है। एमिली, कभी कभी सच में मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्यार तुम मुझसे करती हो ना, उतना शायद मैं नहीं करता। तुम्हारे यह ऑनेस्टी देखकर तुमसे ज्यादा प्यार हो गया मुझे। सच्ची? मुझे उस दिन तुम पापी और क्यूटी पाई में कंफ्यूज थे ना, मुझे
पापी चाहिए। देखो आरव, मुझे पापी बुला रहा है। हाँ लेकिन वो बात अभी क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें सच्ची वाला पापी देना चाहती हूँ। मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। अरे पा को प्रॉमिस क्या है? दूर रहने, नो टचिंग। अरे एमिली, बिना टच किए पप्पी कैसे? एमिली, वो दिन कब आएगा जब हम सच में पप्पी? जल्दी आएगा आरव। आरव, मैं अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप जॉब कर रही हूँ और मैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रही हूँ। क्या? हाँ। लेकिन क्यों एमिली? मैं समझा नहीं। लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं पेपर लेने नहीं गई। मेरी भी तबीयत गड़बड़ होने लगी अभी तो। और हाँ, मुझे अपनी प्रेग्नेंट फ्रेंड से मिलने के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल भी जाना था पर मैं नहीं जा सकी। होता ही नहीं, इसका मतलब एमिली प्रेग्नेंट नहीं है और वो इंडिया की सिटीजनशिप लेने वाली है। मेरे आरव जी। आरव, तेरी बाइडी अमेरिका की है? हाँ। तो वीजा नहीं मिलेगा। क्यों? डायरेक्ट सिटीजनशिप मिलेगा ना इसको। अगर एमिली ने सिटीजनशिप ही छोड़ दी तो मुझे अमेरिका की सिटीजनशिप तो दूर की बात है, कभी अमेरिका का वीजा भी नहीं मिलेगा। निकल जा इस घर से एमिली, इस घर में ना तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जा बुर, चु, चु। बा, आपके मन में यही बात चल रही थी ना? मुझे पता है आपके मन के अंदर बहुत गुस्सा है। पंडा, मैं ना आपको तकलीफ में देख नहीं सकती हूँ। आप ना शांति रखिए। हाँ, अभी ना पिंकी आती ही होगी खुशखबरी का कोई सबूत लेके। हाँ, अरे जो आ गई। अगर मुझे मार के आपका दर्द थोड़ा कम हो जाते तो मार लीजिए, मैं ना अपना सर ओखली में डाल देती हूँ। ना बा? हाँ बा। नहीं नहीं गुंजन बहू, ऐसे मत बोल, दिखा ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं बा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पिंकी, पिंकी बता क्या सबूत लेके आई है? पिंकी तू इतना मत रो, तेरी मोटी बहन को इतनी भी नहीं लगी है। नहीं नहीं मोटी बहन, मैं आपके लिए क्यों ही रोऊंगी। मैं तो अपने लिए रो रही हूँ। वो क्या है ना कि कहानी में ट्विस्ट आ गया है। खुशखबरी ये नहीं है कि एमिली माँ बनने वाली है, खुशखबरी तो ये है कि वो अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ करके इंडिया की सिटीजनशिप लेने वाली है। बा, आप ये सुन के खुश हो रही हो? हाँ गुंजन बहू, मैं कहती थी ना मुझे आरव और अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है। तो अब सवाल रहा एमिली का, तो वो चाहे कुछ भी करे, हिंदुस्तान की नागरिकता लेने से वो दिल से हिंदुस्तानी नहीं हो जाएगी। या दिल जीतने के लिए वो चाहे जितने मर्जी ड्रामे कर ले, पर मैं उसे कभी अपनाऊंगी नहीं। पर पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आपके मन की बात पढ़ ही नहीं पाई।
पर आप ना हमेशा की तरह एकदम सही बात कर रही है। ये एमिली ना ये सब आपको सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए कर रही है, पर ना वो कहाँ हिंदुस्तानी बन सकती है। अरे वो ऐसे हल्दी थोड़ी कूट सकती है। पर हमारी पिंकी, पिंकी ये ना चैंपियन है। वाह पिंकी दिखा, आजा आजा। बड़ी बहन क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे क्या होगा? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है मिली। पर आरव, तुम हैप्पी नहीं हो। हाँ मिली, मैं हैप्पी नहीं हूँ। मुझे अमेरिका जाना है। मुझे वहां जाकर तुम्हारे दोस्तों से मिलना है। जहाँ तुमने अपना बचपन बिताया मुझे वो जगह देखनी है। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? ऐसे भी अमेरिका का वीजा मिलने मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर तुमने वहां की नागरिकता छोड़ दी तो फिर मैं ये सब कभी नहीं कर पाऊंगा। एमिली, हम एक काम कर सकते हैं ना, हम एक बार अमेरिका चले जाते हैं, फिर वापस आके तुम वहां की नागरिकता छोड़ देना। मैं दिल से इंडियन हूँ और पेपर से भी इंडियन बनना चाहती हूँ। आरव बताओ ना, वो दुखबरी क्या है? दुखबरी? तुम्हें कैसे मतलब? हाँ सॉरी, कुछ खबरी। अब इसे क्या बताऊं? एमिली वो क्या है ना, हाँ मुझे एक नया बिजनेस का आइडिया आया था, तो बस वही। लेकिन एमिली ये नागरिकता लेना इतना आसान काम नहीं है, सरकारी काम में बहुत टाइम लग सकता है। तो एमिली हम एक काम करते हैं ना, हम वहां जाते हैं, सारे पेपर्स देते हैं उन्हें, फिर उनका रिस्पांस देखते हैं, फिर हम घर वालों को बताएंगे। नहीं तो एमिली सारे घर वाले सोचेंगे कि तुम फिर से कोई नया नाटक कर रही हो। Wait. इसमें क्या है एमिली? इसमें सारे फॉर्म्स है। आरव गो एंड प्रिंट दिस आउट, फिर मैं साइन करूंगी। ठीक है एमिली, मैं चलता हूँ। थैंक यू। चमनिया ये तू नहीं, ये अमेरिका है। मैं जब भी इसके पास जाता हूँ ना, अचानक कुछ हो जाता है और मुझसे दूर चला जाता है। ए भैला, तू ऐसे रोया मत कर भैला। तू ऐसे रोता है ना तो मुझे तेरे बचपन की याद आती है, जब स्कूल ना जाने के लिए तू ऐसे ही रोता था। अरे तू सही से ही बोलने। चमनिया तुझको क्या लगता है मैं कभी अमेरिका जा पाऊंगा? अरे एमिली खुद अमेरिका का सिटीजनशिप छोड़ रही है, मुझे ये पेन ड्राइव दिया है, इसमें से पेपर्स निकाल के उसके प्रिंट आउट देने मुझे एमिली को। ले! अरे भैला, अमेरिका खुद चलकर तेरे पास आ गया। मतलब एमिली बेन भाभी से जब तू साइन लेने जाएगा ना तो इन पेपर्स के बदले वो पेपर डाल देना चुपचाप जो भरत भाई ने दिए ना साइन करने, समझा? मतलब साइन भी हो जाएगी और तू अमेरिका भी चला जाएगा। अरे हो, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।